वेलकम ऑलरेडी ऑनलाइन स्टूडेंट इंडिया नंबर वन ऑनलाइन कोचिंग टूस इंडिया डॉट कॉम और मैं आपका फेवरेट जय सर फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ ठीक है आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले बेटा है ना प्रीवियस सेशन हमारा बिल्कुल सिंपल सा फोर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स का सेशन था इन विच आई हैव गिवन यू द आइडिया अबाउट द मोल कि आखिर वन मोल जो हम इतना हंगामा करते हैं जिससे बच्चा डरता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है बस मैंने इतना ही आपको आइडिया दिया था एवोगेडो नंबर क्या होती है कैसे उसे कैलकुलेट करा गया उसके बारे में मैंने आपको आइडिया नहीं दिया था बस जैस इंट्रोडक्शन दे दिया था कि मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से हमने एक कार्बन एटम के सी ट्वेल्व आइसोटॉप के एक एटम का मास निकाला उसकी हेल्प से एवोगेडो नंबर निकाली गई और फिर इसे हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाते हैं कि माइक्रोव के ऊपर इसका मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया था तो हम लोग हमेशा इसे एप्लीकेबल जो करेंगे था दैट इज ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑन माइक्रोव पेन चॉक पेंसिल बनाना ऑरेंजेस इनके ऊपर मोल वर्ड का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है तो आई होप इतना आपको कहानी समझ में आ गई होगी अब आज की कहानी हम लोग चालू करते हैं कि वॉट आर द वेरियस फार्मूलास टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ठीक है दो पार्ट में बोर्ड को डिवाइड कर दे रहा हूँ ताकि आपको आ पता रहे कि ये फर्स्ट पोर्शन वो सेकंड पोर्शन हमारा नोट्स बनाने में भी आपके प्रॉपरली नोट्स बने ठीक है तो अगर हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले अब हमारे जो बात है नंबर ऑफ मोल्स को निकालना तो आज की क्लास में हमारा जो स्टार्टिंग हो रही है नंबर ऑफ मोल्स ठीक है नंबर ऑफ मोल्स जिसे हम सिम्बोलिकली स्मॉल एन से डिनोट करते हैं है ना जिसे हम सिंबोलिकली किससे डिनोट करते हैं तो स्मॉल एंड से और ये अब जो मैं फॉर्मूले आपको बताने जा रहा हूँ ये चार साल मतलब सॉरी दो साल आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है बिकॉज राइट नाउ यू आर इन इलावन चार साल मैंने आई के अंदर का भी पहले ही इंक्लूड कर लिया क्योंकि आई के अंदर भी आपको अगर आप ठीक है ना इस फर्स्ट ईयर की बात करेंगे बेटा तो फर्स्ट ईयर में सभी आई के अंदर या ठीक है कॉमन सिलेबस होता है ठीक है एम्स का मुझे नहीं पता है बिकॉज आई हैव डन माई बी टेक फ्रॉम आई टी खड़पुर बट अदरवाइज आई टी की बात करें तो फर्स्ट ईयर कॉमन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपके मूल्स निकालने के फॉर्मूले कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली और डायरेक्टली यूज़ होते ही रहते हैं ठीक है बट अभी हम अगर आप इलेवंथ में हैं तो दो साल तो आपको नंबर ऑफ मोल्स के जो फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ इनका हमेशा यूज़ होता ही रहेगा और जो जो चीज़ें बिल्कुल आपको याद रखने वाली जैसे ये जो मैं फार्मूले बताने जा रहा हूँ बेटा दैट यू हैव टू डायरेक्टली रिमेंबर ठीक है ना? इसीलिए मैंने आपको नोट्स नोट्स कॉपी में भी होना चाहिए ठीक है साथ ही साथ मैंने आपसे बोला था एक छोटी सी आप डायरी बना लें तो उस डायरी में भी ये जरूर होना चाहिए आपका ये है शॉर्ट नोट्स भी आपके साथ ही साथ में बनाने की टेक्निक बता रहा हूं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के जो वेरियस डिफरेंट फार्मूले हैं सबसे पहला फार्मूला है आपका मोलर मास सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा है ना आप बिल्कुल घबराइए मत बट पहले मैं फॉर्मूले बता दूं कि बिल्कुल ये तो याद रखना ही है ठीक है हमें टर्म्स भी क्लियर होनी चाहिए एक के बट अगर नहीं भी क्लियर है तो याद रखना तो कंपलसरी है सो सिम्बोलिक फॉर्म में इट इज़ एन इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय ठीक है गिवन मास मतलब W मास के लिए सिंबल जो है हमारा एक चीज़ और बता दूँ बेटा फिजिक्स में मास और वेट में डिफरेंस होता है मास मतलब वो स्मॉल m से डिनोट करते हैं फिजिक्स वाले और वेट मतलब वो डिनोट करते हैं mg से बट हमारी केमिस्ट्री में मास और वेट से कोई डिफरेंस नहीं हम ग्रेविटेशनल को यहाँ कंसिडर नहीं करें ना फिजिक्स में तो ये ऑब्जेक्ट आपने छोड़ा तो नीचे ही गिरना है ड्यू टू ग्रेविटी तो अगर इसका मास स्मॉल एम है तो इसके बाद जो वेट होगा दैट इज एम जो नीचे की तरफ लगेगा तो थोड़ा सा ये फ़र्क है इसलिए अभी से मैं बता दूँ और मोलर मास क्या होता है बेटा इसका सिंबल तो कैपिटल है मैं ये मैं अभी लिखने जा रहा हूँ और एक एक चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको ठीक है दिस इज द फर्स्ट फार्मूला और सबका डेरीवेशन भी बताऊँगा मैं आपको डेरिवेशन मतलब रफ है ना पहला काम है कि ये याद रखना कंपल्सरी बिना इसके दो साल आपका कोई काम नहीं होने वाला अदरवाइज आप कही कहीं ना कहीं गड़बड़ ही करेंगे ठीक है सेकेंड इज गिवन पार्टिकल्स इन द लास्ट सेशन दो मिनट में मैंने आपको अभी लास्ट सेशन रिवाइज भी करा दिया था तो मैंने आपको बता दिए थे पार्टिकल्स का मतलब हमारा होता है ठीक है ना एटम मॉलिक्यूल आयन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो भी और उसको हम डिवाइड करते हैं किससे वो एवो गाद्रो नंबर जिसे हम एनए से डिनोट करते हैं तो अगेन अगर आप इसे सिम्बोलिक फॉर्म में लिखोगे तो एन एक वस्तु ठीक है ना पार्टिकल्स को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करेंगे और एवोगेटो नंबर को हम लोग एनए से करेंगे तो इट इज कैपिटल एन अपॉन एन अगर हम थर्ड बात करते हैं थर्ड जो फॉर्मूला है वो आपका वो भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बट वो ठीक है ना आपका कंसेंट्रेशन टर्म में आपको समझ में आएगा जो इसके बाद मोल के बाद हम पढ़ेंगे बट फॉर्मूला तो मैं अभी से लिखाना जरूरी समझाता हूँ समझता हूँ क्योंकि आपको याद होना कंपलसरी इट इज मोलरिटी इन है ना इट इज मोलरिटी इंटू क्या आपका वॉल्यूम और वॉल्यूम हमेशा किस में होना चाहिए इन लीटर तो थर्ड फार्मूला एम इज एम इंटू वी मोलरिटी का जो सिम्बॉल होता है दैट इज़ कैपिटल एम और वॉल्यूम का सिम्बॉल होता है वी ठीक है अब आप बोलोगे सर मोलर मास का भी सिम्बॉल कैपिटल एम है तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा बेटा कंसनट्रेशन टर्म में जब हाँ मोलर मास और मोलरिटी एक साथ किसी फार्मूले में आ जाते हैं तब तो हम उन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए सिम्बोल्स थोड़े से अलग कर लेंगे तब हम मोलर मास को एम mm एम लिख देंगे ठीक है बट अभी अभी बिल्कुल अलग अलग कहानियाँ हैं ये मास से रिलेटेड है और ये वॉल्यूम से रिलेटेड है इसलिए अभी कन्फ्यूज़ ना हो सिम्बॉल वाइज स्मोलेरिटी का भी सिम्बॉल कैपिटल एम होता है एंड आई हैव प्रोमिस्ड यू कि जो जो आपके मन में डाउट आएगा जैसे ये डाउट आ सकता था है ना आया ही होगा किसी न किसी बच्चे के मन में तो मैंने पहले ही बोला है आपसे प्रॉमिस करा है कि नाइन्टी तो आपके डाउट्स में तुरंत समझ जाऊँगा कहाँ आपको गड़बड़ हो रही उलझन हो रही वो मैं खुद ही बता दूंगा आपको ठीक है इसलिए आपको इस कोर्स को फॉलो करना कंपलसरी है खुद भी फॉलो करिए बेटा एडवाइज़ योर फ्रेंड्स जो भी आपके लेटेस्ट कहीं पर भी हैं सबको एडवाइस करिए यूट्यूब में थोड़ा प्रमोट भी करिए क्योंकि ना जैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है वैसे ही आप किसी आप सोचोगे कि मैं दस लोगों को नहीं बताऊं कि मैं ही फॉलो करूं जे एस सर का कोर्स मैं ही अच्छा सीख जाऊं ऐसा नहीं होता है ना जितना आप शेयर करोगे चीज़ों को उतना आपको भी मजा आएगा और के तो कंपटीशन बेटा आपका सिलेक्शन आपके पढ़ने से होगा किसी दूसरे के पढ़ने या नहीं पढ़ने से आपका कोई सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है तो इसीलिए शेयर करिए कि हाँ अच्छी चीज़ें हमें जो मिल रही हैं ठीक ना वो चीज़ें आपके सभी सगे संबंधियों रिलेटिव दोस्तों को पता रहेंगी तो अच्छा होगा एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी रहेगा आपके बीच में एंड द लास्ट फार्मूला इज ठीक नंबर ऑफ मोल्स का ठीक दैट इज़ प्रेशर इसको हम इन इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इस तरह से लिखने की बजाय सीधे लिख लेते हैं है ना क्योंकि इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना ही ज़्यादा आसान है दैट इज पी वी बाई आर्ट ठीक है तो लास्ट फार्मूला है पी वी बाई आर्ट ये चार फार्मूले आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में ठीक है ना कहीं ना कहीं यूज़ होते हुए नंबर ऑफ मोल्स के लिए मिलेंगे ठीक ये याद रखना हमारे लिए कंपल्शन है चारों फार्मूले हमारे याद होना हमारे लिए है अब इसमें किस फार्मूले का क्या क्या यूज़ है कैसे है वो सब भी मैं बता दे रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में यूज़ होगा इसलिए मैं उसमें तीन एरो भी लगा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है दैट इज़ आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास ठीक है ना गिवन मास अपॉन मोलर मास और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज़ होने वाला फार्मूला है और ये फार्मूला आपका सॉलिड लिक्विड एज वेल एज गैस सभी के ऊपर लगेगा इसको किसी से कोई दुश्मनी या दैर दोस्ती नहीं है यू कैन अप्लाई दिस सॉल एदर ऑन सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो अगर जैसे इस पर्टिकुलर है ना मैं आपसे साथ ही साथ छोटे छोटे से चलिए अभी फिर मोलर मास में आपको कन्फ्यूजन हो अभी मैं एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ पहले हम बस फॉर्मूले अभी लिख लें ठीक है ना तो ये सॉलिड है बेटा पानी भी मेरे सामने रखा हुआ लिक्विड है इस रूप में एयर प्रेजेंट है विच इज़ नथिंग बट गैस तो तीनों में से किसी के ऊपर भी मैं इस फॉर्मूले को लगा सकता हूँ प्रोवाइडेड मुझे उसका मास क्वेश्चन में गिवन हो और मोलर मास मुझे खुद कैलकुलेट करना पड़ता है कैसे हम उस पर आ रहे ठीक है सेकेंड फार्मूला थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है मैं इसलिए एक ही टिक लगा रहा हूँ इसका ज़्यादातर यूज़ केवल इसी चैप्टर में होगा मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में हाँ बट पता होना हमें जरूरी है इनफैक्ट इफ़ यू रिमेंबर मैंने लास्ट क्लास में एक छोटा सा क्वेश्चन कराया था कि बनाना सेलर वाला कि ही इज़ सेलिंग टेन पॉट सिक्स बनाना पर सेकेंड एंड इज सेलिंग बनाना फॉर हंड्रेड ईयर तो हाउ मेनी टोटल बनाना हाउ मेनी मोल्स ऑफ बनाना विलीज एंड तो आप देखो उसमें हमने क्या करा था टोटल जितने बनाना सो उसने सोल्ड करे थे मैंने आपसे बोला था मैं छोटा छोटा सा डेरीवेशन भी बताऊँगा यही डेरीवेशन भी है इस फॉर्मूले का कि हमें पता है कि सिक्स इंटू टेन पर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल जब भी हो गए तो वन मोल होता है मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में बेसिक अप्रोच भी बताई थी थी ना वो छोटा सा सेशन था 40 मिनट्स का क्योंकि मैं आप पहली बार बिल्कुल कोर्स में एंटर करें बेटा एलेवन्थ के बच्चों को पहले सेशन में तो हम अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैं तो कल उनसे इंटरेक्शन ही करता हूँ है ना नाम पूछना कौन कहाँ से कितना सी है जनरल इंट्रोडक्शन आपको तो तब भी मैंने एक आइडिया दे दिया है फर्स्ट सेशन में ठीक है तो हमने यही काम वहाँ पर भी करा था बेटा यही डेरीवेशन है कि अगर हमें पार्टिकल्स बता दे तो अगर हम पार्टिकल्स को अब दो नंबर से डिवाइड कर दें तो भी हमें क्या पता पड़ जाएंगे बेटा मोल बट ये फार्मूला अभी मैंने आपसे बोला कि ये केवल और केवल इसी चैप्टर में यूज़ होगा आगे इसका एस सच उतना कोई भी यूज़ होने वाला नहीं है ठीक है हाँ कहीं यूज करवा दे तो अलग बात है बट ज़्यादा यूज इसी चैप्टर में ठीक थर्ड फार्मूला इज अगेन डबल एरो लगा रहा हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है पहले वाले से कम है क्यों है पहले वाले से कम ठीक ना हाँ सेकेंड फार्मूले का भी यूज़ किया है बेटा यूज़ ये है कि आप इसे सॉलिड लिक्विड गैस सभी के ऊपर लगा सकते हो इसका भी किसी से कोई दुश्मनी दोस्ती कुछ नहीं है सॉलिड हो सब्सटेंस लिक्विड हो गैस हो अगर मुझे पार्टिकल इन्फेक्ट कल तो मैंने आपके लास्ट सेशन कल से मीनिंग हमेशा लास्ट सेशन रहेगा है ना बेटा तो लास्ट सेशन में मैंने आपको जो बनाना वाला क्वेश्चन कराया था तो बनाना के ऊपर भी हमने इसी चीज़ को लगाया था ठीक है ना तो आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हो ठीक थर्ड फॉर्मूला इज अगेन वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट आप बोलोगे सर इसमें फिर दो एरो क्यों लगाए हैं दो एरो इसलिए लगाए बेटा क्योंकि ये फॉर्मूला केवल लिक्विड सोल्यूशंस हमारे एक चैप्टर फिजिक्स का आपका ट्वेल्थ में केमिस्ट्री का एक चैप्टर है तो ये केवल सॉल्यूशंस वाले केसेस में लगेगा एक्चुअली हम मोल कॉन्सेप्ट में जितनी भी चीजें पढ़ेंगे ना आपको मैंने बोला ही था कि हमने सिंपलिसिटी के लिए कंसेंट्रेशन टर्म हम सेकेंड पार्ट बना के अलग कर लिया ठीक है एनसीआरटी बुक में तो सब एक साथ ही गीवन है तो सिंपलिसिटी के लिए करा वो आपकी ठीक है तो कंसेंट्रेशन एक्चुअली जो हम मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन करते हैं बेटा कि इसको इससे रिएक्ट करा ये करा फलाना करा ढिमका करा लेबोरेटरी की बात करी जाए तो लेबोरेटरी अगर आपने देखी हो हो सकता है आपने टेंथ में है ना अपने स्कूल के लेबोरेटरी में देखा हो नहीं देखी हो मूवीज़ में देखी होगी तो लेबोरेटरीज में आपको कोई भी रिएक्शन अगर करवानी होती है बेटा तो आपने देखा होगा कि रैक्स में कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में बने हुए रखे रहते हैं ठीक है तो अगर हमें एन जैसे हमसे बोल रहा है एच का सॉल्यूशन तो एच तो आगे हम पढ़ने वाले हैं बेटा केमिकल बॉन्डिंग में कि एच तो गैशियस फॉर्म में पाया जाता है इट इज़ ए कोवाल कंपाउंड शायद आपको नाइन टेंथ में पता भी होगा बट अगर हम लैब में रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें एच का सॉल्यूशन चाहिए तो हम एच गैस को पहले वाटर के अंदर पास करवा के उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये फॉर्मूला अपने आप में इम्पॉर्टेंट तो काफ़ी है बट इसका यूज़ केवल ये है कि ये आपको सॉल्यूशंस जहाँ पर होंगे लिक्विड सोल्यूशन तभी यूज़ होगा और इस्पेशली ये फार्मूला आपका है ना ट्वेल्थ के जो टॉपिक्स हैं मोल कॉन्सेप्ट के अलावा मैं बात करूँ तो केमिकल कैनिटिक्स में यूज़ होता है इलेवंथ का टॉपिक है आयोनिक एक्बियम उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा लिक्विड सॉल्यूशन ट्वेल्थ का ही टॉपिक है उसमें काफ़ी जगह यूज़ होगा ये फार्मूला ठीक है ना इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इन चार चैप्टर्स में अपार्ट फ्रॉम कंसनट्रेशन टर्म ये फार्मूला यूज़ होने वाला है तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इंपॉर्टेंट तो खूब है दो एरो लगाने का पर्पज़ बता रहा हूँ ठीक है ना लास्ट फार्मूला इज़ अगेन वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट बट इसमें भी मैं दो एयरो लगाऊंगा ठीक है ना लास्ट फार्मूला इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट बट इसमें दो एयरो इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि लास्ट फार्मूला का लिमिटेशन है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर गैस ये केवल और केवल गैस के ऊपर एप्लीकेबल है आप उसके अलावा इस फॉर्मूले को कहीं भी नहीं लगा सकते हो गैस के ऊपर और गैस भी बाय डिफॉल्ट ठीक है ना गैस भी बाय डिफॉल्ट आपकी आइडियल ठीक है ना हालांकि जेई वाला जब भी या नीट वाला क्वेश्चन देगा बेटा ठीक है ना आई हैव टोल्ड यू कि जितना पोर्शन सेम है बिल्कुल जिनमें कुछ भी नहीं है ये तो जेई के लिए भी पता होना चाहिए बेटा नीट के लिए भी तो वो चीज़ें कॉमन रहेंगी फिर जहाँ डिफरेंस आएगा वो चैप्टर्स में वो टॉपिक्स में अलग अलग आपके लिए शूट करके दूंगा तो आपको जेई वाला पूरा कोर्स अलग ही फील होगा नीट वाला अलग फील होगा कॉमन पोर्शन तो कॉमन ही रहेगा जो थ्योरिटिकल पोर्शन बेटा ठीक है तो बाय डिफ़ॉल्ट जेई के एग्जाम हो बेटा नीट की हो गैस अगर केवल मेंशन है वैसे जेई वाला इतने ऐसे गलतियां नहीं करता है बट बुक्स में हो सकती हैं बेटा कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट गैस लिखा है कुछ नहीं बोला गया है तो हम उसे आइडियल मानेंगे बट हमें पता भी होना चाहिए साथ ही साथ कि रियल लाइफ में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है हर गैस रियल है बट बाय डिफ़ॉल्ट हमें आइडियल गैस मानना है और ये जो मैंने एनिक्वस्ट पी वी बाई आर टी लिखा है बेटा इसी को हम बुलाते हैं हमारा आइडियल गैस क्वेशन ठीक है आप पी वी इक्वल्स टू एन आर टी बोलते हो ना जिसे आप पी वी टू क्या बोलते हो बेटा एन आर टी अब ये अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बस इसका लिमिटेशन इसको हमने कम इंपॉर्टेंट दो एरो इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये केवल और केवल एप्लीकेबल गैस के लिए होती है और किसी के ऊपर नहीं लगा सकते हो गैस भी कौन सी बेटा आइडियल रियल होगी तो वो कहानी हम गैस स्टेट जो चैप्टर है हमारा उसको भी हम हालांकि दो पार्ट में तोड़ के ही पढ़ेंगे आइडियल अलग पढ़ेंगे रियल अलग ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो है ना मतलब हमारा पहला चैप्टर अकॉर्डिंग टू एन टी बुक्स एम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसे हम तीन पार्ट में तोड़ के पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट कंसनट्रेशन ऑफ जीरोमेट्री सेकंड चैप्टर जो गैश स्टेट है है ना मतलब एनसीआर में नहीं है सेकंड चैप्टर तो गैश स्टेट बट हम मैं गैश स्टेट पढ़ाता हूँ उसको भी मैं दो पार्ट में तोड़ के पढ़ाऊंगा दैट इज आइडियल गैस और रियल गैस ताकि आपको ही कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो ठीक है अब ये इक्वेशन भी आपका इंजीनियरिंग के अंदर भी पीछा छोड़ने वाली नहीं है क्योंकि जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बेटा ना ठीक है डॉक्टरी में तो ठीक चलो ठीक है इसका कोई उतना ज्यादा यूज़ नहीं बट वो भी कहीं ना कहीं तो यूज पक्का मुझे है पता है कि होता ही होगा वहां पर भी वो मैंने कर ही नहीं बेटा इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता इंजीनियरिंग तो मैं कर चुका हूँ इसलिए मुझे पता है कि ये तो यूज होना ही ठीक है ना और आपको दो साल तक इस इक्वेशन का फिजिक्स में एज वेल एज केमिस्ट्री में थॉरली यूज़ होगा और मैं अगर अपना ऑब्जर्वेशन बताऊँ बेटा इस सिंपल सी इक्वेशन को यूज़ करने में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इवन जो ट्वेल्थ पास करके जेई में या नीट में सिलेक्ट नहीं होते हैं जो थर्टीन में फिर से तैयारी करते हैं ड्रॉप लेके वो भी इस इक्वेशन में गड़बड़ करते हैं इसलिए उन चीज़ों को मैं स्ट्रेसफुली बताते चलूँगा बेटा देखिए उसके बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उतना ही सीसियरली फॉलो करें जितना सिंसियरली मैं आपको स्ट्रेस दे चीज़ों को समझा रहा लूँ नहीं करा तो फिर देखिए उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं कल यहाँ से आपको खड़े होकर समझा सकता हूँ कि किन किन चीज़ों में मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस बच्चों को मिस्टेक बताता है और वो छोटी छोटी मिस्टेक बेटा आपके है ना कॉम्पिटेटिव अगर आप एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हैं तो आपके मार्क्स ले जाएगी अगर आप घर में बैठे हैं और दस में से आपके तीन क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं अननेसेसरली एक सिंपल सी यूनिट कन्वर्जन की मिस्टेक की वजह से किसी मतलब कांस्टेंट की वैल्यू गलत लेने की वजह से ठीक है ना तो मतलब जस्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करने की वजह से गलत हो रहे हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा गिरता जाता है कि अरे यार अभी तो दस में से तीन ही सही हो रहे हैं चार सही हो रहे हैं या चार गलत हो रहे हैं जो भी वॉट एवर मे बी दरीदा वो हमें नहीं चाहिए बेटा हम चाहते हैं कि बिल्कुल जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिनमें कुछ नहीं करना है जिनमें हमें पता है कि ये आया तो यही करना है ठीक है ना उनमें कभी गड़बड़ ना हो ठीक है उनमें कभी गड़बड़ ना हो और इतना अगर आपने सिंसियरली मेरी चीज़ों को अभी से फॉलो करना चालू करा बेटा तो जेई मेन्स हो नीट के लिए तो मैं आपको हंड्रेड परसेंट एश्योर कर रहा हूँ कि आप फिजिकल केमिस्ट्री जो मैं आपको पढ़ाऊंगा और इनऑर्गेनिक जो मैं पढ़ाऊंगा आप मोर देन नाइन्टी परसेंट पेपर सॉल्व करके आ जाएंगे है ना सर आप हंड्रेड परसेंट क्यों नहीं बोल रहे बेटा हंड्रेड परसेंट आज तक जेई और नीट में स्कोर है ना एक दो बार रेयरली आया हो तो आया हो बेटा नहीं आता है तो नाइन्टी परसेंट भी खूब बड़ा है बेटा खूब अच्छा स्कोर है ठीक है बट फॉलो आपको करना है सुनना है तो इस इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं ठीक है ना इसमें पी स्टैंड फॉर किसके लिए आपका प्रेशर पी किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा प्रेशर को वी किसे रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को ठीक है एन तो ऑब्वियसली हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं उसी के तो हमने फॉर्मूले लिखे हैं ठीक है आर लिख दो बेटा आर इज़ यू जी सी वट इज़ यू जी सी आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर इज़ यू जी सी दैट इज़ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट और टी जो है आपका बेटा वो टेम्परेचर ठीक है टी जो है वो टेम्परेचर अब इस इक्वेशन को यूज़ करने में आप बोलोगे सर इतनी सिंपल सी इक्वेशन को यूज़ करने में क्या गड़बड़ हो सकती है है ना आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे बेटा जिन्होंने सिंसियरली बिल्कुल पूरा पढ़ाई चालू कर दिया होगा कईयों ने ऑफलाइन कोचिंग भी कुछ चालू कर दी होगी हालांकि अभी तो वो माहौल नहीं है ठीक है ना मैं कुछ भी इस बारे में फ़ालतू बातें नहीं करूँगा क्या बस मैं इतना ज़रूर बोल कि अभी ऑफलाइन नहीं चल रही है क्योंकि हमारा काम अब जो हो रहा है उनको भूल के हमारा काम है केवल अपनी तैयारी पर फोकस करना क्योंकि चीज़ें तो अपने आप सही हो जाएंगी ठीक है ना ये फेसेस आते रहते बेटा लाइफ में हर आदमी के साथ आते हैं इस साल मतलब इस साल पर्टिकुलर पूरे विश्व के साथ आ गया बट वो मानव जाति के साथ ही आया है तो आप उसकी चिंता करें बिना उनका तो उसका तो नाम ही ना लें इतनी पॉजिटिव थिंकिंग रखें उसे ना नाम ही नहीं लेना हमें सोचना ही नहीं क्या हो रहा है मैं एक बंद कमरे में आपके लिए कोर्सिस ला रहा हूँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप एक बंद कमरे में अपना है ना घर पे रहिए और मस्ती से पढ़िए खाइए इम्यूनिटी बढ़ाइए और लगे रहिए अपने आप चीज़ें सब सही हो जाएंगी तो इस सिंपल सी इक्वेशन में बच्चा वैल्यूज़ पुट करने में बेटा गड़बड़ करता है ना वैल्यूज़ का मतलब क्या है आर तो यू मैंने शॉर्टकट में लिख दिया यूनिवर्सल गैस कॉन्सटेंट टेम्परेचर देखिए हमेशा होता है कि कैलविन में नाइन टेंथ में आप पढ़ते आ रहे हो इनफैक्ट एट्थ में भी कई बुक्स में तो आ जाता है कि टेम्परेचर आपका अगर डिग्री सेल्सियस कॉमनली टेम्परेचर जो गिवन होता है बेटा दैट इज़ इन डिग्री सेल्सियस हमें उसे कैलविन में बदलना है तो कैलविन में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस को बस टू सेवेंटी थ्री एड कर देना है आज से ये सुन लीजिए रूल बेटा पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की किसी भी प्रॉब्लम में इनफैक्ट फिजिक्स की किसी भी प्रॉब्लम में टेम्परेचर हमेशा आपको कैलविन में रखना है इन ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जहाँ पर भी आए टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन है आपको कैलविन में रखना है हाँ कहीं पर डेल्टा टी आए ऐसे कई क्वेश्चन होंगे आगे हम पढ़ेंगे जहाँ डेल्टा टी आएगा तो डेल्टा का मतलब होता है बेटा चेंज और चेंज इन टेम्परेचर किसी भी स्केल में रख सकते हो चाहे वो कैलविन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे फेरनाइट में हो फिर उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है बेटा बट अगर एप्सोल्यूट टेम्परेचर चाहिए है ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल टी डेल्टा टी हो डी टी हो तो आपको पता है बेटा वाटर का मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बात करें ठीक है ना जीरो डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है कि अगर आप इसका डिफरेंस लोगे डेल्टा टी या डी टी डेल्टा या डी डिफरेंस के लिए यूज होता है तो 100 है अब अगर आप जीरो को कैलविन में बदलोगे तो 273 100 को कैलविन में बदलोगे तो टू से थ्री सेवेंटी थ्री टू सेवेंटी थ्री प्लस हंड्रेड करके डिफरेंस लोगे तो वो 100 ही आएगा इसलिए डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के लिए हमें डिग्री सेल्सियस को कैलविन में बदलने की जरूरत नहीं है ये भी एक छोटा सा पॉइंट है बेटा बट इसमें भी इतनी बच्चे गड़बड़ करते हैं वो कैलविन मतलब गड़बड़ करने से मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें इस गड़बड़ करेंगे बट वो अननेसेसरी कैलविन में बदलते हैं बेटा तो आपको फॉर्मूले अगर याद हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ टी आ रहा है वहाँ पर कैलविन में बदलना कंपलसरी है और जहाँ डी या डेल्टा टी आ रहा है आगे

केवल पॉइंट जीरो एट टू और यूनिट के साथ लीटर ए पर मोल कैलवी ये यूनिट फिक्स है बेटा ठीक है ना और इसी एक पर्टिकुलर आर की वैल्यू में ही मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट गड़बड़ करता है इसी एक पर्टिकुलर आर की वैल्यू में ही मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट गड़बड़ करता है इवन इलेवंथ हो ट्वेल्थ हो थर्टीन हो और मेडिकल में जो दो दो बार भी ड्रॉप लेते हैं बेटा है ना मतलब इनफैक्ट फोर्टीन में पहुंच गए कोटा में तो ये कल्चर है बेटा कोटा में ही कल्चर है कि ऑफलाइन में यहाँ पर बच्चा है ना तीन तीन चार चार पाँच पाँच सालों तक लगा रहता है ठीक है अगर आप मुझे फॉलो करेंगे मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ कि आप इलेवेंथ से ही फॉलो कर रहे हैं तो आप ट्वेल्थ में ही निकाल ले जाएंगे अपना सिलेक्शन इतना मैं आपको अभी से आज सेकंड सेशन है उसी में आपको मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ बस सिंसियरली फॉलो करिए जितना मैं आपको बोल रहा हूँ उतनी चीज़ें फॉलो होना कंपलसरी ठीक है तो इस इक्वेशन में कहाँ गड़बड़ होती है बेटा कि ये यूनिट एक तो सबसे पहली बात बेटा एक्चुअल वैल्यू है इसकी पॉइंट जीरो के लिए आप इसे पॉइंट जीरो एट क्योंकि मैंने बोला है कि जैसे एवोकेटो नंबर है तो एवोकेटो नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू तो क्या है सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री बट सिंपलिसिटी के लिए हम लोग उसे सिक्स लेते हैं ठीक है ना और अगर आपको भी कैलकुलेशन बचानी है और दूसरी आप चाहें तो इसे वन बाई ट्वेल्व भी ले सकते हैं तो ये जब इस इक्वेशन का ऊपर तो क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको और बताते चलूँगा अभी पहले काम है कि बस हमें पता रहे कि एक्चुअल वैल्यू है ना अब एक्चुअल वैल्यू की बात करो ना बेटा तो एक्चुअल वैल्यू तो पॉइंट जीरो एट टू वन है एक्चुअल वैल्यू तो पॉइंट जीरो एट टू वन होती है और इतनी गंदी वैल्यू है कि बच्चा देख के ही इस वैल्यू से डर जाता है पॉइंट फिर जीरो फिर एट फिर टू फिर वन मल्टीप्लाई डिवाइड करने में सब नींदें हराम हो जाती बच्चे की और नीट का बच्चा हुआ मेडिकल वाला जिनकी डोंट टेक इट अदरवाइज रिलेटिवली बोल रहा हूँ बेटा ना जिनकी रिलेटिवली कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा स्लो होता है बिकॉज वो बायोसाइड से होते हैं ठीक है ना तो उनको तो और ज़्यादा परेशानी होती है मुझे फॉलो करिए कैलकुलेशन मैं आपको सिखाऊंगा इसकी शॉर्टकट कैलकुलेशन कैसे होंगी अभी मैंने आपको दो तरीके तो बताई दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है यू कैन टेक इट एज पॉइंट ज़ीरो एट थोड़ा सा और सिम्पल बनाना हो तो वन बाय ट्वेल्व ये सब मैं अभी क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूँ ठीक है अब इस इक्वेशन को यूज़ करने से पहले जो सावधानी रखनी है बेटा वो है जो बच्चे नहीं रखने हैं है ना अगर हम रोड से कहीं जाते हैं तो लिखा ही होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी अगर आपने थोड़ी सी सावधानी हटी मतलब सावधानी नहीं बरती रोड पर तो हाईवे पर तो बेटा हमें पता है कि इतनी तेज़ी से गाड़ियाँ निकलती तेज़ी से मेरा मीनिंग है ना सबको ये अब हाईवे पर तो तेज चल चलाई गई बेटा गाड़ी सिटी में तो मिलता ही नहीं है सिटी में तो 15 20 की स्पीड पे चलती रहती है ट्रैफिक ही इतना रहता है है ना रेड लाइट्स हटती रहती बार बार सिग्नल्स आते रहते हैं तो हाईवे पर तो ऑब्वियसली कोई अगर कोटा से जयपुर जा रहा है तो थोड़ी तो तेज़ चला के जाएगा ना बेटा नहीं तो ढाई किलोमीटर अगर बीस की स्पीड से चलेगा तो बारह घंटे लग जाएंगे तो वहाँ स्पीड ज़्यादा रहती है ठीक है दायरे मेरी बात समझ में वहाँ ये लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी और इस पी वी इक्वल टू एन आर टी में ये जो अभी मैंने लाइन बोली है ये सबसे ज़्यादा चरितार्थ होती है बेटा सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स हमेशा बच्चा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैंने मोर देन सेवेंटी परसेंट स्टूडेंट को पी वी इक्वल टू एन आर टी को कभी सही यूज़ करते हुए नहीं पाया है कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं, कहीं गड़बड़ और आर ये जो गैस कॉन्स्टेंट है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट ये आपको फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में इतनी प्रॉब्लम्स में मिलेगा बेटा और एश्योरेंस है आप जे दें आप नीट दें आपको दो क्वेश्चन में एग्जाम में भी मिलेगा दो क्वेश्चन में तो इनफैक्ट ज़्यादा होंगे मैं मिनिमम दो की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ जिनमें आर का आपका यूज़ होगा क्योंकि ये आपका थर्मोडाइनमिक्स में यूज़ होता है थर्मोकेमिस्ट्री में यूज़ होता है आइडियल गैस में यूज़ होता है मोल कॉन्सेप्ट में यूज़ होता है फिजिक्स में भी आपका ठीक है ना यूज़ होता है तो आप खुद ही समझ लीजिए अगर ये पाँच छः चैप्टर्स में यूज़ हो गया तो दो क्वेश्चन तो एनी हाउ चाहे वो फिजिक्स में है चाहे केमिस्ट्री में है यूज़ होना ही होना है तो हमें एक एक चीज़ पे स्ट्रेसफुली मैं जितना स्ट्रेस दे रहा हूँ बेटा है ना मुझे नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूले लिखने में ही लगभग 20 मिनट 25 मिनट होने आ रहे हैं तो ये स्ट्रेस ही मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये दो साल का काम है ये दो साल का काम है इस इक्वेशन को टीचर्स के लिख देते हैं और बस इतना लिख देते हैं ये 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 है मैं इतना स्ट्रेस इसलिए दूँगा हर चीज़ में कि आपको उतना फील हो कि क्यों दे रहे हैं हिरवानी सर स्ट्रेस क्योंकि इरवानी सर को पता है है ना बच्चे इसलिए मुझे ज़रा हट के बोलते हैं कि उन्हें पता है कि भैया ज़रा सी हमने मिस्टेक करी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ठीक है तो इस चीज़ को यूज़ करते हैं बेटा ये जो यूनिट है इसका ध्यान रखना खूब ज़रूरी है है ना मतलब इस टी वी इक्वल टू एन आर टी को यूज़ करते वक्त प्रेशर का ए टी एम में होना कम्पल्सरी है बेटा और वॉल्यूम का लीटर में होना कम्पल्सरी ठीक है हो सकता है वो आपको प्रेशर किसी में थोड़ा सा फोर्सफुली स्ट्रेसफुली तो यहाँ समझा दे रहा हूँ बेटा बट इसका फिर से मैं एक रफ आइडिया आइडियल गैस में फिर से दूंगा क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है थर्मोडाइनिमिक फिर आ रहा आएगा मैं तब भी वहाँ पर भी समझाऊंगा बोलूंगा तो मैं हर जगह बट स्ट्रेस मैंने आज ही दे दिया है और मैं ऑफलाइन में भी ये करता हूँ बेटा तब भी मैंने लाइव देखा है बच्चों को कि आर की वैल्यू में कितना गड़बड़ करता है तो आर की दे सो मेनी अदर वैल्यूज वो वैल्यूज़ क्यों हैं अदर टेम्परेचर तो आप बोल रहे हो सर हमेशा कैलविन में है नंबर ऑफ मोल्स की तो कोई यूनिट ही नहीं बेटा ये तो यूनिटलेस है क्योंकि ऊपर भी मास नीचे भी मास ऊपर भी पार्टिकल्स नीचे भी एक तरह से पार्टिकल्स है है ना तो ये तो यूनिट लेस है बेटा इसकी यूनिट भी होती है मैं अभी बता नहीं पाऊंगा क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म में देखेंगे डेप्थ में ठीक है तो आप बच रहा है बेटा पीओर वी आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कोटा कल्चर बेटा वो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन लिमिट का थोड़ा रफ आइडिया अदरवाइज एन सी आर टी बुक से बात करें तो फर्स्ट चैप्टर इज़ आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन तो हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा कि एल की जो यूनिट होनी चाहिए वही आर की और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बेटा कि इवन थर्टीन तक का बच्चा यूनिट डायमेंशन में गड़बड़ करता है आर की वैल्यू गलत होने का मतलब ये कि आप यूनिट्स पर ध्यान नहीं दे रहे तो ये तो वही कहानी हो जाएगी बेटा कि हम बाज़ार गए ठीक है ना शर्ट पेंट का कपड़ा खरीदने हमने बोला कि शर्ट तो मेरी आराम से दो मीटर में सिल जाएगी ठीक ना और पैंट का कपड़ा तो आप सवा लीटर दे देना तो वो इतना हंसेगा ना बेटा कपड़े वाला वो जिस मीटर से मेज़र करता है ना उसी से मार मार के भगाएगा कि कौन पागल आ गया ठीक है ना तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा आप जैसे दूध है तो हम दूध जब लेना भैया दो किलो दे देना दे तो हम बेवकूफ़ हैं बेटा दूध किलो में नहीं आता है लिक्विड है वो लीटर बोलना चाहिए बट आदत पड़ी हुई है ठीक है ना हमें पता है मेज़रिंग कपड़ा है वो लेंथ जो मेज़र होगी वो मीटर में मेज़र होगी ठीक है ना लिक्विड होगा तो लीटर में मेजर होगा तो ये है यूनिट डायमेंशन और इसमें भी बच्चा मिस्टेक करता है बेटा तो अब इस मिस्टेक को अगर आप करोगे तो आप समझ लीजिए कि फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता बेटा क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ठीक है ना इनफैक्ट इलेवन ट्वेल्थ में भी अगर हम इतनी बेसिक मिस्टेक करेंगे तो फिर हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता बेटा इतनी सी अगर बेसिक मिस्टेक हमने इलेवन ट्वेल्थ के क्वेश्चन में भी कर रहे हैं ठीक है हम भूल जाते हैं हम जे नीट को भूल जाते हैं अभी तो इसलिए ये होना कंपलसरी है ना अब आप बोलोगे सर कि आपके मन में जो अगला डाउट आया है तो मैं तो डाउट हर कोई दूर करूँगा ही आपका आपके मन में अगला डाउट आया होगा सर वॉल्यूम की तो देर आर सो मेनी यूनिट्स बिल्कुल सही है बेटा वॉल्यूम की खूब सारी यूनिट्स हैं है ना जैसे इस रूम में जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ और जहाँ आप पढ़ रहे होंगे उस रूम का वॉल्यूम आप लीटर में मेज़र नहीं करोगे ऑब्वियसली उस रूम का वॉल्यूम आप मीटर क्यूब में मेज़र करोगे ना क्योंकि उसकी लेंथ भी आप मीटर में मेज़र करोगे उसकी ब्रैथ भी आप मेज़र में मीटर करोगे और उसकी हाइट भी आप मीटर में ही मेज़र करोगे तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता होगा लेंथ इंटू ब्रैथ इंटू हाइट मीटर क्यूब अब मीटर क्यूब यूनिट है बेटा तो डेसीमीटर क्यूब भी होगी सेंटीमीटर क्यूब भी होगी मिलीमीटर क्यूब भी होगी और लीटर और मिलीलीटर भी हो सकती है ऐसे ही प्रेशर की भी खूब सारी यूनिट्स हैं बेटा बट इस फार्मूले को यूज़ करते वक्त स्पेसिफिकली अभी मैं इसलिए बाकी यूनिट्स पर नहीं जा रहा हूँ प्रेशर का ए में होना और वॉल्यूम का लीटर में होना कंपलसरी अगर वो किसी दूसरी यूनिट में है तो आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना आपकी जवाबदारी है नहीं करा तो क्वेश्चन गलत वो मैं आज से ही बता दे रहा हूँ बेटा इन मोज के फार्मूलों को ही है ना अगर आप थर्टीन में होते बेटा रिपीट कर रहे होते तो मैं ये फार्मूले बस पाँच मिनट में लिखता और सीधे दो क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाता बट आप इलेवेंथ में आपका आज सेकेंड सेशन है तो मेरी ड्यूटी है कि मैं एक एक चीज़ पे स्ट्रेसफुली बताऊं कि अगले दो सालों तक हमें कहाँ गड़बड़ नहीं करनी बेटा अगले दो सालों तक ठीक है ना नहीं जितना हम छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के चलेंगे उतना हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बढ़ेगी ठीक है